लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ओके यहाँ से हम आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि सेल जो है एक सेल है उसका काम क्या है और वो करता क्या है. तो सबसे पहले जो सेल है ओके उसके पास दो टर्मिनल होते हैं. वन इज नोन एज पॉजिटिव टर्मिनल ओके अनदर इज नोन एज नेगेटिव टर्मिनल. कोई डाउट इसमें? चलो दूसरी चीज बेटा सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी में जब हमको ये ड्रॉ करना है एक्चुअल में तो सेल को ऐसा ड्रॉ नहीं करते. सेल को हम कैसा ड्रॉ करते हैं इसका कुछ सिंबल होता है. तो सेल का सिंबल है एक बड़ी सी लाइन ओके और उसी के बाजू में एक छोटी सी लाइन. सो दिस विल रिप्रेजेंट अ बैटरी और अ सेल. आ गया समझ में? Yes. और वायर्स को वापस मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया. तो यही चीज को हम लोग जब ड्रॉ करेंगे आगे से तब इस तरह से ड्रॉ करेंगे ओके. चलो अब देखो बेटा ये सेल प्रोवाइड क्या करेगा. ये सेल के पास क्या है वो क्या प्रोवाइड करेगा? जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फ्री इलेक्ट्रॉन को रन करने के लिए वो एनर्जी सेल प्रोवाइड करेगा. सेल प्रोवाइड करेगा ओके. सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करता. ध्यान से सुनना सेल्स जो है वो सिर्फ एनर्जी देता है ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव होगा तो फिर दूसरे एटम्स के अंदर वो एक और इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होगा. सो बाउंस ऑफ होकर वो ही खुद से एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. ओके सो बेटा देखो क्या है सेल हैज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन इट ओके और ये एनर्जी क्या करेगा? केमिकल एनर्जी. यस दिस एन हाँ कौन से फॉर्म में होगी? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन से टाइप की? केमिकल. तो मैं लिख लेते हैं केमिकल एनर्जी. केमिकल्स रिएक्ट होते हैं और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. हाँ एनर्जी प्रोवाइड करता है. यस गुड. यस ओके उसके बाद ये एनर्जी किसको मिलती है? ये एनर्जी किसको मिलती है? इलेक्ट्रॉन्स है उसको. इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है ओके. सेल दिस एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स ओके. इलेक्ट्रॉन्स को ये सेल जो है वो एनर्जी देने वाला है. कोई डाउट यहाँ तक? नो. तो सेल है वो एनर्जी देगा किसको? तो भाई इलेक्ट्रॉन को. सो लेट्स से यहाँ पे हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है ओके और ये सेल ने क्या किया है उसको एनर्जी दी है. अच्छा अब एक बात बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं ध्यान से बताओ इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव. कहाँ फ्लो करेंगे? कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे है राइट. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है पहले वो डिस्कस कर लेते. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? वायर में है राइट. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी है जो भी सारे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको जैसे ही एनर्जी मिलेगी. एनर्जी कौन देने वाला है? सेल देने वाला है ओके. या ऐसे बोलोगे जैसे ही मैं इसको कनेक्ट किया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज इट विल अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज. बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव. सो इट वाज जस्ट अ कॉमन मिसकंसेप्शन सर. जब इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढा था तभी सारे साइंटिस्ट को लगता था कि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है. लेकिन ये मिसकंसेप्शन था सर. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट जैसे मैग्नेट्स में भी होता है हमेशा. मैग्नेट लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं सॉरी रिपेल करते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. अभी पहले मैं जो बता रहा हूँ वो पहले आराम से सुन लो ओके. ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो एक बार देख लेते हैं. सो हम सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो किससे अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा ओके. और नेगेटिव चार्ज जैसे ही पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा तो ये सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना चाहेगा? टूवर्ड्स पॉजिटिव मूव करना चाहेगा ओके. पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? लिख लेता हूँ ओके. इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं. इसको मैं थोड़ी देर के लिए सेल को कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है लिख लेते हैं यहाँ पे ओके. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ओके.
इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करने वाले हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, आ गया समझ में? Yes. चलो अब बेटा अब ध्यान से सुनना, ओके अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ वो, ये होता है एक्चुअल में जो रियल लाइफ में होता है वो ऐसा हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, बट जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, जब इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट किया था किसी ने जो भी डिस्कवर किया था, तब उनको पता नहीं था, तब उनको लगता था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ओके तब उनको क्या लगता था, तब उनको लगता था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन सर जब पता चला कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तभी इसलिए वो लोग ने सेल क्रिएट किया, क्योंकि सर ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव नोड है ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक रियलिटी में ये सिर्फ एक कार्बन का छोटा बार है जो नेगेटिव नेगेटिव नोड के साथ, हाँ ये कार्बन का रॉड है छोटा एक पीस है जो रिएक्ट कर रहा है, और नेगेटिव जोन के अंदर जो भी है मैग्नीशियम सल्फेट का कुछ, मैग्नीशियम नहीं होता, ओके बोलो चलो बोलो, MnO2 होता है, ओके MnO2 वो एक रिएक्शन होता है, इसलिए वो नेगेटिव जोन जो नेगेटिव नोड जो है वही उधर वो सिर्फ एक हाउसिंग है और वहां पर रिएक्शन हो रहा है। ओके ओके ऋषि एक मिनट रुक जाओ, चलो पहले से आराम से डिस्कस करेंगे, ओके थोड़ा बेसिस पे जाने वाले। तो सो पहले के जमाने के लोग क्या मानते थे कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की वजह से हो रहा है तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करेगी, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल कर रहा है तो वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करेगा। तो इसलिए बेटा पहले के जमाने के लोग ने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल कन्वेंशनली, कन्वेंशनली मतलब पहले से ऐसा चलते आ रहा है, समझ में आ रहा है इतना? तो उसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट is taken in the direction of flow of positive charge. Positive charge जिस direction में जा रहा है उस direction के अंदर हम लोग current की direction मान के चलते हैं, but actual में flow कौन कर रहा है, electrons, actual में flow electron कर रहा है, जो कि क्या है negative charge है, जो कि negative charge है। तो फिर मैं क्या कहूंगा, तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब हम लोग बोलेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द अपोजिट डायरेक्शन, टेकन एज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा है ये? यस यस सर। ओके अगर मानो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट लेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन उसी की डायरेक्शन में ले लेंगे, आया समझ में? Yes. तो जब भी तुमसे पूछा जाए कि एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं तो तुम्हें क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, तुमसे पूछे कि भाई करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, आके ओके समझ में आ गया इतना? यस ओके। सो ये जो एक बैटरी के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं, ओके करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज नोन एज conventional direction of current, conventional direction of current कहा जाता है इसको, कोई डाउट यहाँ तक लिख लो जल्दी से अगर नहीं लिखा हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ओके चलो कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन बट हम उसको अपोजिट मानेंगे,
ओके एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है, बट हम लोग बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, पॉजिटिव मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। देवाया नहीं समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। सबको आ गया? सर, योग यस, मोक्षिता ओके, रुद्र पटेल, अदिति यस, हाँ सर आ गया समझ में। ओके चलो बढ़िया, अब देखते हैं करंट एक्चुअल में क्या होता है और कैसे फ्लो मेजर करते हैं। ओके करंट की डायरेक्शन क्या होती है वो तो हमने देख लिया, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके अब करंट एक्चुअल में क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है, तो करंट जो है उसको हम कहते हैं करंट इज, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके इलेक्ट्रिक चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो, देवाया नहीं बताओ रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है, कितना कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा हो। हाँ एक यूनिट सेकंड में या फिर एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ओके सो इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं, इसको मैं डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकता हूं, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। समझ में आ गया? एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे करंट। चलो अब देखते हैं, एक ध्यान से देखो, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, इस चार्ज का वैल्यू है लेट्स से 100 कूलम्ब, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो इस चार्ज की वैल्यू है 100 कूलम्ब, कोई डाउट? No. Okay? अब no. ये 100 कूलम्ब चार्ज जो है, ये 100 कूलम्ब चार्ज जो है वो यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ तक पहुंचने वाला है। ओके okay? और जब ये यहाँ से ट्रैवल करने करने के बाद जब ये 100 कूलम्ब चार्ज ऐसे ट्रैवल करते 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 इधर तक पहुंचा, ओके okay? तब तक जो टाइम लगा यहाँ तक आने में जो टाइम लगा लेट से वो टाइम लगा 5 seconds, वो लगा टाइम लगा 5 seconds, मतलब 5 सेकंड में से 100 कूलम्ब चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव तक पहुंच गया, तो बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी, 5 सेकंड में 100 कूलम्ब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, यस तो करंट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, करंट कैसा होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब 5 सेकंड में 100 कूलम्ब पहुंच रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने पहुंचेंगे, तो 1 सेकंड में कितने पहुंचेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, तो करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, चार्ज कितना है 100 कूलम्ब चार्ज डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यूनिट क्या आएगा कूलम्ब डिवाइडेड बाय सेकंड, 20 कूलम्ब पर सेकंड, आ गया समझ में, तो करंट जो है उसका फॉर्मूला, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, और इसका मतलब हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन टी, क्यू क्या है चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट होता है, ओके ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, सो करंट है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ऐसा यूनिट क्या है कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड है बेटा, कूलम्ब पर सेकेंड, विच इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर, ओके आंद्रे एम्पियर करके एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से हम लोगों ने करंट का यूनिट एम्पियर रखा है, जिसको मैं कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ओके सो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो विच इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर, कोई डाउट करंट में? नो सर, ये समझ में आ गया? यस सर, चलो आगे बढ़े, इसे टू में स्क्रीनशॉट ले लूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये सर 2 मिनट्स ओनली, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े, यस सर, यस सर आगे बढ़ते हैं, चलो हो गया, यस यस सर हो गया, बड़े आगे, यस ओके सो करंट का बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या इसके क्वेश्चन करने हैं तुम्हें,
क्या इसके कुछ क्वेश्चन डू करने के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं? ओके फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट सर्किट इज 10 एम्पियर देन फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द वायर इन 2 मिनट्स. दो मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो तुम्हें फाइंड करना है. अगर ये हो जाए तो सेकेंड क्वेश्चन करना है सबको. सेकेंड क्वेश्चन, इफ क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, वापस बोलो. सर मैं मेरा क्लियर लैपटॉप ही बंद हो गया था रैंडमली, तो फिर मैं 5 मिनट्स के लिए नहीं रह पाया था. कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही दिया है मैंने, ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है. ओके ये यहाँ तक तुमने लिख लिया था, यहाँ तक तुमने लिख लिया था, यहाँ तक पूरा नहीं लिखा है. ओके दीपांकर तुम गलत क्लास में आ गए हो दीपांकर. ओके ये लिख लो बेटा, अगर नहीं लिखा है तो. ये सर मैं लिख रहा हूँ. स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो मत, स्क्रीनशॉट ले लो पहले. ओके सर नेक्स्ट करता हूँ मैं. ले लिया? यस सर. नहीं मैंने लिया नहीं, लेकिन लिख लिया. लिख लिया ना? ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलो ये क्वेश्चंस करने बेटा, जल्दी जल्दी करो. सर अमाउंट ऑफ चार्ज का फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट कौन सा लेना है? कूलम्ब लेना है बेटा, कूलम्ब. ओके तो सर 10 इक्वल्स टू x अपॉन 2. थोड़ा सोचो सोचो जल्दी जल्दी, क्या क्या दिया हुआ है पहले लिस्ट बनाना है. फर्स्ट के लिए करना है फर्स्ट. वैसे बेटा ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. ओके इस टाइप के क्वेश्चन 10th में आते हैं. ओके तो ये अगर ये आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ट्राई करो. क्या है, इफ अ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज 10 एम्पियर, मतलब आई दे रखा है 10 एम्पियर. यस सर 10 इक्वल्स x अपॉन 2 मिनट्स, लेकिन सर पर सेकंड करना है. हां पर सेकंड करना है राइट, बिकॉज़ सर 80 सेकंड 2 मिनट दे रखा है टाइम, तो टाइम को मैं लिख लेता हूं 2 into 60 सेकंड्स. उस तरफ ले जाओ तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इंटू टी, समझ में आ रहा है ये? 1200 विच इज इक्वल्स टू 1200 कूलम्ब. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, सेकेंड ट्राई करो, सेकेंड ट्राई करो.
सेकेंड वाला समझ में नहीं आ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास। सर दो मिनट। यस सर, नहीं समझ आ रहा है। सर दो मिनट, नहीं समझ में आ रहा है। सर आदि इलेक्ट्रॉन्स विल पास फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल है, चार्ज ढूंढ सकते हैं। हाँ चार्ज ढूंढ लो, और फिर चार्ज के बाद एक और फॉर्मूला मैंने बताया था उससे तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ सकते हो। क्या क्या दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 सेकंड्स। तुम्हें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन फाइंड करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन फाइंड करना है, राइट? यस सर। तो चलो ट्राई करो, कैसे करोगे, एन कैसे फाइंड करोगे बता दूं मैं? यस सर बता दो। ओके सो बेटा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। उससे क्यू कितना मिल जाएगा, इधर से क्यू कितना मिलेगा, क्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू टी। आई रखा है 2 इंटू 20 सेकेंड, सेकेंड ही मिल दिया तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 40 कूलम चार्ज, 40 कूलम क्या आया, चार्ज आया। अब ये बेटा चार्ज किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। yes. और चार्ज विल बी इक्वल्स टू एन इनटू ई, हमने पढ़ा था। yes, sir. इक्वल्स टू एन ई, याद आया। सो क्यू विल बी इक्वल्स टू एन इनटू ई, ई मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलके 40 कूलम का चार्ज बनाया होगा। yes. कितने इलेक्ट्रॉन ने मिलकर 40 कूलम का चार्ज बनाया? तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई एक कूलम चार्ज बनाने के लिए क्या चाहिए, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 10 raise to 18। तो बेटा 40 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओ सर 6.25 10 to the power of 18 into 40। ये डायरेक्ट आ गया। ओके या फिर तुम क्या कर सकते हो, या तो ऐसा कर सकते हो जो मैंने लिखा कि 40 into 6.25 10 raise to 18, या फिर Q is equals to N E. So N equals to what? N will be equals to Q upon E. Q की value है 40 divided by E की value 1.6. E क्या represent करता है? Charge present on one electron. 1.6 10 raise to minus 19. तो ये solve करोगे तो यही आएगा basically. समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. पक्का? निकाल के दिखाओ इसका, कैलकुलेशन करके बता दो फाइनल आंसर क्या आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके तो सर हम लोग दोनों वेज यूज कर सकते हैं, N equals Q upon E. Yes, बेटा Q equals to N E. ये वाला फॉर्मूला ही यूज कर रहा है, वो ही बेटर है। हाँ सर। सर दोस्त। सर क्या आप ये क्वेश्चन सेकंड फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर दो मिनट। कौन सा बेटा, सेकंड क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन सेकंड। यस सर। ओके कहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन सेकंड में? सर 2.50 × 10⁻¹⁸ है क्या? 2.50 सर वो आपने फॉर्मूला ले थी ना कि Q is equals to any और उसके बाद n is equals to q upon, फिर सर वो जो 40 divided by 1.6 वो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? चार्ज कितना, अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे वो बताता हूँ। 40 divided by 1.6 ये कैसे है वो समझ में आ गया? यस सर। चलो इसको मैं सॉल्व करके अलग से दिखाता हूँ। ओके तो हमारे पास क्या फाइंड, क्या सॉल्व करना है, 40 divided by what डिवीजन में क्या करना है हमें, चलो करना क्या है, 40
डिवाइडेड बाय 1.6 इनटू 10^-19 ये करना है. So 40 into 10^-19 upon 1.6 अभी 40 को 1.6 yes. अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1.6 10^-19 को ऊपर ले जाते हैं तो 10^-19 पॉजिटिव हो जाएगा. ओके अब ये 40 अपॉन 16 है 1.6 है तो मैं लिख सकता हूँ 40 डिवाइडेड बाय 1.6 को लिख सकता हूँ 16 अपॉन 10 तो 10 वापस ऊपर चला जाएगा. इनटू 10^-19 ये समझ में आ रहा है? हाँ तो ये आ रहा है. 16 से कितना 40 और 60 होगा तो कितना होगा तो मैं बोल सकता हूँ ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10^-9 अच्छा एक मिनट ये देख लेते हैं पहले इतना देख लो कि भाई 40 10^-19 है एक और 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10^-20 हो जाएगा और एक 4 का ट्रे होता है तो 10^-21 हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है? 19 + 1 + 1 yes. 19 × 21 हो गया ये 4 × 10^-21 हो गया. डिवीजन में क्या है 16 4 से कट हो जाएगा तो आएगा 4 4 जा तो आया 1/4 × 10^-21 1/4 कितना होता है बेटा डेसिमल में 1/4 कितना होता है हाँ 0.25 होता 0.25. है 0.25 × 10^-21 यस इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 × 10^-20 एक पॉइंट में इस तरफ ले आया आया समझ में यस ओके चलो तो आज के लिए इतना काफी है नेक्स्ट क्लास में आगे करें. ओके समझ में आ गया सबको ये हाँ सर ओके चलो बाय 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 सर बाय बाय बाय